नैब के हवाले से अहम खबर शामिल करें जिन्होंने अहम केसेस में अहम इकदाम उठाए। चेयरमैन नैब ने तमाम अफसरान को जेर तफ्तीश केसेस को 10 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। साबिक वफाकी वजीर रेलवे ख्वाजा सार रफी के खिलाफ 55 लोकोमोटिव की खरीदारी, साबिक सूबाई वजीर सैफुल मुल्क खोखर, साबिक MNA मुदस्सर क्यूम नारा और MNA अजहर क्यूम नारा के खिलाफ केसेस समेत तमाम अहम केसेस जल्द निपटाने के अहकाम जारी कर दिए। मजीद तफसला जानते हैं लाहौर रंग के नुमाइंदे सुहेल अब्बास बलोच से। जी सुहेल अब्बास, इस अहकाम के हवाले से मजीद अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जुएर इकबाल की जेर सदारत आज अहम इजलास हुआ नैब लाहौर ऑफिस में, जहां पर अहम केसेस के हवाले से DG नैब लाहौर ने उनको आगाह किया और उसके बाद उन्होंने अहम केसेस के हवाले से फैसले करते हुए उन्होंने कहा कि खास तौर पर ये जिन केसेस के हवाले से नैब को तहकीकात जारी हैं और नैब को शिकायत मिली हैं उनको फिल फोर जो है वो निपटाया जाए, जिसमें लीगी साबिक MPA MNA समेत दीगर पुलिस अफसरान दीगर महकमों के लोगों शामिल हैं जिनके खिलाफ नैब की जानब से तहकीकात जारी थी। और इस हवाले से चेयरमैन नैब की जानब से कहा गया कि साबिक वफाकी जो वजीर हैं फैसाद रफीक, उनके रेलवे के अंदर जो मुबैना करप्शन के इल्जाम उन पर हैं उनको फौरी निपटाया जाए। इसके अलावा सैफुल मुल्क खोखर पर जो आमदनी के जायद असाफात हैं उनको फौरी निपटाया जाए। मुदस्सर क्यूम नारा और अजहर क्यूम नारा जो साबिक MNA और MPs रह चुके हैं मुस्लिम लीग की नून के, उनको फिल फोर जो उनके केसेज आमदनी से जायद असाफात के हवाले से उनको निपटाया जाए। और इसके अलावा LDA के अंदर दीगर जो अफिसरान जिनके खिलाफ नैब की तहकीकत जारी है उनको भी फौरी जो हेल्प किया जाए। इसके अलावा पुलिस के अफिसरान जिस तरह से CC जो साबिक और जो डायरेक्टर है जो हैदर अशरफ हैं उनके खिलाफ जो नैब के अंदर केसेज हैं उनको निपटाया जाए। नैब की मुकम्मल जो अफिसरान थे वो शामिल थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि इन तमाम तहकीकात को 10 माह के अंदर जो है वो निपटाया जाए। जी, तमाम तहकीकात को 10 माह के अंदर निपटाने का हुक्म दे दिया। बहुत शुक्रिया सुहेल अब्बास बलोच, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे।